लहसुन मैंने लिया है 3 गड्डी, अदरक का आधा टुकड़ा लिया है, प्याज मैंने 2 अदद लिए, इसको काट लिया है, साबुत धनिया लिया है 3 चम्मच, सौंफ लिया है 3 चम्मच, जीरा लिया है 3 चम्मच, दालचीनी के टुकड़े लिए 8-10, लौंग लिए 1/2 चम्मच, काली मिर्ची लिए 2 चम्मच, तेज पत्ते लिए 5-6। बड़ी इलायची लेंगे 4 अदद, छोटी इलायची लेंगे 5 अदद। जब आप यखनी तैयार करें तो उसका गोश्त चिकना होना चाहिए, इससे यखनी अच्छी तैयार होती है और पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है। लहसुन शामिल करेंगे, अदरक और प्याज इसमें शामिल कर देंगे और तमाम मसाले शामिल कर देंगे। नमक शामिल करेंगे हसब ज़रूरत, पानी शामिल करेंगे, हम यखनी तैयार होने के लिए रख देंगे। यखनी तैयार हो गई है, पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पतीले में ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल मैंने लिया 1 किलो, ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज मैंने लिए 1 किलो, प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गई है, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 150 ग्राम। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ी देर भूनेंगे कि इसकी खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दूंगी 250 ग्राम और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया है ये, तो मैं इसमें गोश्त यखनी में से निकाल के अब ये डाल दूंगी। थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे गोश्त को। यखनी को मैंने छान लिया है, अब इसमें खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे, जीरा, काली मिर्ची, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी और इसको भूनेंगे। दही शामिल करेंगे 500 ग्राम, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। भूनेंगे इसको फिर। गोश्त भून गया है, अब यखनी शामिल कर देंगे।
पानी थोड़ा शामिल करेंगे इसमें। नमक शामिल करेंगे हसबे ज़रूरत। कटी हुई हरी मिर्च लिया 8 से 10 अदद, ये शामिल कर देंगे। जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे 2 चम्मच। गरम मसाला शामिल करेंगे 1 चम्मच। इसको मिक्स चावल मेरे लिए 3.5 किलो, इसको मैंने भिगो दिया था 3 घंटे के लिए। पानी में बॉईल आ गया है, अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने इसमें शामिल कर दिया, अब चमचे की मदद से इसको हिलाएंगे। पानी कम था तो मैंने चावलों में पानी शामिल कर दिया है। 10 से 15 मिनट इसको पकने देंगे। बीफ वाइट पुलाव तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।